ऑलराइट, सो पिछले वीडियो में हमने गैलेक्सी S22 का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था, विच वॉज ग्रेट एंड वेरी वेल पुट टुगेदर एज वेल। एंड अभी रिसेंटली लेट्स गो डिजिटल के थ्रू गैलेक्सी S22 के नए रेंडर्स आए हैं इन कोलैबोरेशन विद द टेक्निजियो कॉन्सेप्ट। एंड इन रेंडर्स में जो गैलेक्सी S22 है, हमें इसके बैक साइड पर एक बड़ा मेन सेंसर देखने को मिल रहा है। मेन सेंसर के नीचे एक और कैमरा है छोटा सा, एंड मल्टीपल सेंसर्स भी हैं। नाउ अगर फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर फुल डिस्प्ले है विदाउट एनी नॉच और होल, बिकॉज S22 में अंडर डिस्प्ले कैमरा एक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात किया है। नाउ आई नो दीज रेंडर्स आर इमेजिनरी, एंड रियल लाइफ में S22 के ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट इट इज़ स्टिल वर्थ टेकिंग अ लुक। सो इसलिए मैंने सोचा आपको ये रेंडर्स दिखा दूँ। नाउ मूविंग ऑन टू सम बिग एंड लेटेस्ट लीक्स, ट्रॉन हु इज़ अ वेरी ट्रस्टेड लीक्सर हैज कन्फर्म्ड दैट गैलेक्सी S22 में भी तीन मॉडल्स होने वाले हैं, बेस प्लस एंड द अल्ट्रा मॉडल। एंड जो कोडनेम है S22 का वो होने वाला है रेनबो, जैसा कि इस ट्वीट में मेंशन किया गया है। नाउ द बिगेस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट एक्साइटिंग लीक इज दैट सैमसंग गैलेक्सी S22 में हमें 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिल सकता है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ 108 मेगापिक्सल सेंसर ऑन द गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, सैमसंग अभी S22 के लिए नया सेंसर बना सकता है। लीक्स के अकॉर्डिंग S22 सीरीज के कैमरा के लिए सैमसंग एक जापानीज ब्रांड से कोलैब करने वाला है, नेम्ड एज ओलिम्पस, जस्ट लाइक वन प्लस डेड विथ हैजलब्लैड, जो उतना सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ, बट सैमसंग और ओलिम्पस का कोलैबोरेशन स्मार्टफोन कैमरा को नए लेवल पर लेकर जा सकता है। ऑल्दो 200 मेगापिक्सल वाली बात अभी तक तो र्यूमर ही है, क्योंकि कोई भी टॉप सोर्स ने इससे रिलेटेड कुछ कन्फर्मेशन नहीं दिया है, बट आई होप अगले कुछ महीनों में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कन्फर्म्ड न्यूज़ आ जाएगा। लेकिन इससे एक बात कन्फर्म होता है कि S22 अल्ट्रा में इतना अच्छा कैमरा होने के बावजूद भी सैमसंग S22 सीरीज के कैमरा को और भी अपग्रेड करना चाहता है, विच शोज दैट दे वॉन्ट टू बी द बेस्ट। एंड मे बी गैलेक्सी S22 जब लॉन्च होगा तो उसको कैमरा में टक्कर देने वाला कोई फ्लैगशिप ना हो, जैसे वन प्लस 10, आईफोन 14 एक्सेट्रा, क्योंकि 200 मेगापिक्सल सेंसर और ओलिम्पस कोलैबोरेशन के साथ ही S22 में हमें सेंसर शिफ्ट स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल सकता है, जैसे आईफोन 12 प्रो मैक्स में है। सो ऑल इन ऑल S22 सीरीज़ का कैमरा S21 सीरीज से काफ़ी अलग और काफ़ी अपग्रेडेड होगा। एंड सिर्फ कैमरा में ही अपग्रेड नहीं होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है, सैमसंग गैलेक्सी S22 के लिए नया एक्जिनॉस चिप बनाने वाला है इन कोलैबोरेशन विद AMD, जिसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी दिया था सैमसंग ने अनपैक्ड इवेंट में। सो अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर S22 सीरीज के अंडर डिस्प्ले कैमरा से रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स में आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस। इस वीडियो में मेरे को सिर्फ नए रेंडर्स और सैमसंग एंड ओलिम्पस का कोलैबोरेशन का अपडेट देना था। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। फॉर रेगुलर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।